क्वेश्चन नंबर 7, 0 और पाई बाय टू इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, इंटीग्रेशन जिसका करना है, मतलब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू है 0 से π/2 और थीटा की फॉर्म में है, तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये अकेला एक फंक्शन दिया हुआ है। हम हाफ एंगल आइडेंटिटी फाई से हाफ एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल करके इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1/2 1+cos 2 थीटा, ये जो मतलब वैल्यू, ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हमने लिखनी होती है, मतलब ये अपने से नहीं लगानी होती, ये वैल्यू बताई हुई होती है वहाँ पे बुक में, वहाँ से हमने यहाँ पे cos square थीटा की जगह पे वो वैल्यू पुट की है ये, और इसका अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1/2, जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो थीटा लिखेंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसका कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव साइन, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड भी होगा, 1/2 sin 2 थीटा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट π/2 और 0, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, 1/2 थीटा की जगह पे π/2 -1/2 sin 2 π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, थीटा की जगह पे जहाँ भी थीटा होगा 0 पुट करेंगे तो वो सबको 0 बना देगा। इसको सोल्व किया 1/2 1/2, मतलब ये सारा तो 0 बन गया क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई पे 0 वैल्यू देता है, तो ये सारा साइन 0 बन गया। 1/2 और π/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो π/4 ही इसका आंसर है।